मुंबई शहर का सबसे महंगा पब्लिक टॉयलेट मरीन ड्राइव पर बनाया गया है। बेहद खूबसूरत डिजाइन से बने इस टॉयलेट के निर्माण पर 94 लाख रुपए की लागत आई है। बीएमसी ने इसे जनता के इस्तेमाल के लिए खोला है। इस टॉयलेट का निर्माण जिंदल समूह और सेमाटेक द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया गया है। नगर निगम पहले 2 महीने तक इसे लोगों को मुफ्त में इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा, बाद में चार्ज लिया जाएगा। आमतौर पर बीएमसी के एक पब्लिक टॉयलेट के निर्माण पर 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नगर निगम को इस टॉयलेट के लिए बिल्डिंग मटेरियल और डिजाइन वर्क फ्री में मिला है। सेमाटेक के सह संस्थापक आकाश गुप्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को बताया, कई कंपनी और कंसल्टेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल का लाभ दिया है। इस टॉयलेट की डिजाइनिंग डेको आर्किटेक्चर ने की है और इसका निर्माण वेदरिंग स्टील से किया गया है। टॉयलेट की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जिनसे टॉयलेट की बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी।